एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड के बाद हरियाणा के उस वक्त के मंत्री गोपाल कांडा की गिरफ्तारी तो हुई, पर उस पर केस में परेशान होकर आखिरकार गीतिका की मां अनुराधा शर्मा ने भी खुदकुशी कर ली थी, जिसका जिम्मेदार गोपाल कांडा को ही ठहराया था। अब लंबे वक्त से गोपाल कांडा जमानत पर बाहर थे और पुलिस ने केस को लगातार कमजोर कर दिया। आखिरकार कुछ दस्तावेजों की गुमशुदगी दिखाते हुए पुलिस ने कोर्ट में केस बंद कराने की फाइल लगा दी। यहां पुलिस आरोपी को सजा दिलाने की बजाय गीतिका की मां अनुराधा शर्मा के केस में उसे बचाने की कोशिश की। में क्या था, दिल्ली पुलिस ने कैंसिलेशन के लिए लगाया था उनकी माता गीतिका की माता जी का, उसी केस के दरमियान उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था और उन्होंने ब्लेम लगाया था कि गोपाल कांडा की वजह से उनको काफ़ी परेशानियां हुई थी, मानसिक परेशानियां हुई थी, इस वजह से वो सुसाइड कर रही हैं। कल उनके पिताजी ने अदालत से दरख्वास्त किया था दिनेश शर्मा जी ने कि इस केस में दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट क्यों लगाया है। उस चीज़ को देखते हुए एकता ACMM रोहिणी कोर्ट एकता गावा जी ने सुमोटो लेते हुए कॉग्निजेंस लेते हुए गोपाल कांडा और उनकी एसोसिएट अरुणा चड्डा को 15 अप्रैल के लिए सम्मन जारी किया है कोर्ट में आने के लिए, और दिल्ली पुलिस को भी काफी फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस पर स्वयं संज्ञान लेते हुए आईओ की इस लापरवाही के लिए उसके ऊपर कार्रवाई करने को लिखा है। रोहिणी कोर्ट में न्यायाधीश एकता गावा ने गोपाल कांडा और उसकी एसोसिएट अरुणा चड्ढा को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किए हैं। 15 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया गया है। आईओ के खिलाफ भी मिनिस्ट्री में लिखा लेटर। 2014 में गीतिका शर्मा की मां के आत्महत्या के मामले पर क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करने पर कोर्ट ने उठाया ये कदम, जिसको देखते हुए रोहिणी कोर्ट के फैसले से इस मामले में एक बार फिर से नया मोड़ ला दिया। दस्तावेज गायब हैं जो नहीं मिल रही है, उस चीज को लेकर दिल्ली पुलिस को काफी फटकार लगाई है और जज साहिबा ने होम मिनिस्ट्री को भी लेटर लिखा है जो आईओ साहब हैं उनके खिलाफ, जो उस वक्त के आईओ साहब थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। एकता गावा ने इस मामले में आरोपी गोपाल कृष्ण कांडा और उसकी एसोसिएट अरुणा चड्ढा को 15 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का समन जारी कर दिया है। इसके बाद अब इन दोनों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।